हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जूनियर एडेड के लिए साइंस का जितना भी सिलेबस है वो जो है मैं आपको इस वीडियो में पूरा कवर करा दूंगी। एक वीडियो में नहीं हुआ तो हम लोग दूसरा पार्ट भी इसका कर लेंगे। तो जो है कि एक या दो वीडियो में मैं सोच रही हूँ कि आपका जितना भी साइंस का पोर्शन है वो मैं करा दूँ। अभी जो 18 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें साइंस सब्जेक्ट से जो लोग भी फॉर्म भरे होंगे, जिन्होंने साइंस सेलेक्ट किया होगा, उसमें जो है मैथ और साइंस दोनों आने वाला है। तो 50 क्वेश्चंस जो है मैथ के रहेंगे, 50 क्वेश्चंस जो है वो साइंस के रहेंगे, ऐसा ही कुछ अंदाजा है। दो चार क्वेश्चन कम या ज़्यादा हो सकते हैं, तो 100 क्वेश्चन में मैथ और साइंस दोनों हैं। तो अगर ये दोनों चीज़ें आने वाली हैं तो इसके क्वेश्चन जो है इनका स्टैंडर्ड भी नॉर्मल ही रहेगा, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। और यह जो है 7 और 8 जो होता है जूनियर एडेड क्लासेस उसके लिए एग्ज़ाम है। तो हम जो है साइंस का जो सिलेबस दिया हुआ है उसके हिसाब से मैं ये वीडियो करा रही हूँ। इसमें अगर आपने कर लिया तो आपका ये जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगी प्रिपरेशन। तो आप इसको ध्यान से ज़रूर से करें, 1-2 बार 3 बार ज़रूर से सुने इसको, तो इसमें आपका कंप्लीट प्रिपरेशन साइंस का हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ड एडाप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो लिविंग वर्ड और क्लासिफिकेशन और एडाप्टेशन ये सारा जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक है सिलेबस का, साइंस के सिलेबस का। तो स्टार्ट करते हैं, लेट अस रिकॉल इन व्हाट डिफरेंट वे इन डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स सीन ए ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट इज फाउंड ऑन द अर्थ। जैसे कि हमारी धरती है इस पे बहुत सारे वेराइटी के प्लांट्स होते हैं और बहुत सारे वेराइटी के जो है कि एनिमल्स होते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें कि कलरफुल फ्लावर्स होते हैं और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि डेजर्ट में ग्रो करते हैं, मीन्स कि वैसी धरती पे ग्रो करते हैं जहाँ पे वाटर की कमी होती है। कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जो स्नोवी एरिया होता है वहाँ पे ग्रो करते हैं। सम प्लांट्स कैन नॉट बी सीन विदाउट ए माइक्रोस्कोप वेयर एज आर ह्यूज इन साइज। बहुत सारे प्लांट तो ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और वो हमारे नेकेड आई से विदाउट माइक्रोस्कोप हम उन्हें नहीं देख सकते। लाइक प्लांट्स एनिमल टू सो डाइवर्सिटी, और प्लांट्स की तरह ही एनिमल्स भी जो है कि बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं। सम एनिमल्स कुछ इसमें से कुछ एनिमल जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ जो होते हैं सम एनिमल आर यूनिसेलुलर एंड सम आर द अदर आर द मल्टीसेलुलर। हमें पता है कि बहुत सारे एनिमल जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ जो होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे सम आर द वर्टिब्रेट वेयर एज अदर आर द इनवर्टिब्रेट। तो हम जो ये देख रहे हैं लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी, इसमें जो है प्लांट्स के बारे में हमने देखा कि अर्थ पे बहुत सारे प्लांट पाए जाते हैं जो कि बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारे डेजर्ट में ग्रो होते हैं जबकि बहुत सारे स्नोई एरिया में ग्रो करते हैं। कुछ जो अब एनिमल्स की हम बात करें तो ये भी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं, कुछ तो यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। सम आर वर्टिब्रेट वेयर एज द अदर आर इनवर्टिब्रेट्स, इसमें बहुत सारे वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। दिस वर्ड इज फुल ऑफ द वेराइटी ऑफ एनिमल एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल। और इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी ये जो दुनिया है वो बहुत ही ज़्यादा वेराइटीज से भरी हुई है, फुल ऑफ वेराइटी है। इसमें जो है एनिमल्स हमारे जो है एक्वेटिक जो वाटर में पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल जो धरती पे, एम्फीबियंस जो होते हैं एनिमल वो जल और लैंड दोनों पे, मीन्स कि वाटर और लैंड दोनों पे अपना जीवन कंप्लीट करते हैं। उसके बाद रेप्टाइल्स हो गए, एरियल्स हो गए, कुछ तो एनिमल ऐसे होते हैं जो कि एरियल होते हैं। दीज ऑब्जर्वेशन गिव
rise to the question, how did this great variety come into being? Means कि ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम ये सोचते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें बनी है, कैसे हुआ. Are the plant and animal from the Kashmir and Rajasthan of the same type? यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, इसमें जो कश्मीर स्टेट है और जो राजस्थान है, यहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल की जो स्पीसीज पाई जाती है, क्या वो सेम होती है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि जो कश्मीर और राजस्थान में जो कश्मीर में प्लांट्स पाए जाएंगे वो राजस्थान में नहीं पाए जाएंगे, और जो राजस्थान में पाए जाएंगे वो जो है कश्मीर में नहीं पाए जाएंगे. नेक्स्ट हम बात करेंगे कोनीफर ट्री लाइक द पाइन एंड द डेडवार फ्लरिश इन द स्नोई रीजन लाइक द कश्मीर. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कश्मीर है हमारा वो स्नोई रीजन है, और इसलिए वहाँ पे कोनीफर्स ग्रो करते हैं. और कोनीफर्स में कौन से प्लांट हो जाएंगे? पाइन और देवदार जो है. तो आपसे एक मार्क में, एक नंबर में, या फिर ये जो आपका एग्जाम होने वाला है जूनियर एडेड में, उसमें पूछ सकता है कि कोनीफेरस ट्रीज क्या होते हैं, जैसे कि पाइन और देवदार हो गए, ये कोनीफेरस ट्री होते हैं, और ये कैसे एरिया में ग्रो करते हैं, डेजर्ट में या स्नोई एरिया में? तो स्नोई एरिया में. तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं. हाउ एवर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान प्लांट लाइक द कैक्टस एंड अकेसिया बबुल आर टू बी फाउंड. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डेजर्ट है, जो राजस्थान का डेजर्ट है, वहाँ पे प्लांट जो है, जैसे कि प्लांट्स में कौन कौन से हो गए, कैक्टस हो गया, अकेसिया हो गया, बहुल, आर टू बी ऑब्टेन. तो इन एरियाज में जो है, जो राजस्थान जो कि डेजर्ट एरिया है, उस पर जो प्लांट ग्रो करते हैं उनके नाम हमें याद होने चाहिए. वो पूछ सकता है कि ये प्लांट कहाँ पे ग्रो करते हैं, वाटर में, डेजर्ट में. तो यहाँ पे कैक्टस और अकेसिया जो है ये ग्रो करते हैं, कैक्टस और अकेसिया जो है ये दोनों ग्रो करते हैं कहाँ पे? डेजर्ट में. द कैमल, कैमल जो है वो क्या है? वो डेजर्ट एनिमल है, ठीक है. एंड डज नॉट एंड नॉट फाउंड इन द कश्मीर. व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिफरेंसेस? तो इन डिफरेंसेस का रीजन क्या होता है? तो क्लाइमेट जो है मेनली डिफरेंसेस का रीजन होता है. एडाप्टेशन, एडाप्टेशन में हम देखेंगे कि ग्रेजुअल चेंज अकर इन द बॉडी पार्ट एंड आल्सो इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हेल्प देम टू एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग. जो भी एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, वो अपनी बॉडी को जो है एडजस्ट करते हैं वातावरण के अनुसार. जो उनकी सराउंडिंग होती है, उस सराउंडिंग के हिसाब से, जो उनका वातावरण होता है उसके हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं. सच चेंजेस आर कॉल्ड द एडाप्टेशन, और इन चेंजेस को ही हम एडाप्टेशन कहते हैं. नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखेंगे, सम एक्वेटिक प्लांट आर फॉर्मली रूटेड इन द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी. जो वाटर बॉडी होती है, रिवर हो गया, लेक हो गया, तो इसमें बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी रूट जो है वाटर के नीचे, जो बॉटम होता है, बॉटम जो कि सरफेस होता है मिट्टी का, उसमें धंसी होती है. और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि वाटर में तैर रहे होते हैं और उनकी रूट जो है मिट्टी में जाके, बॉटम में जाके धंसी नहीं रहती है. तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है डियर. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सम एक्वेटिक प्लांट जो फॉर्मली रूटेड इन द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी, देयर स्टेम आर सबमर्ज्ड. इनके स्टेम जो होते हैं वाटर में डूबे होते हैं, जबकि इनके लीव्स और फ्लावर जो होते हैं वो सरफेस पे होते हैं. जबकि कुछ प्लांट है जो कि इंटायरली फ्लोट करते हैं, ठीक है, और उनकी देयर रूट आर नॉट एंकर्ड इन द सॉइल. नेक्स्ट हम देखेंगे द सर्फेस ऑफ लीव्स एंड स्टेम ऑफ द मैनी एक्वेटिक प्लांट्स कवर्ड विथ एवैक्सी लेयर. यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सरफेस होता है लीव्स का और स्टेम का, उसमें बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स के जो लीफ और स्टेम के सरफेस होते हैं उन पे एवैक्सी कवरिंग होती है. ये एवैक्सी कवरिंग जो होती है उन्हें वाटर से होने वाले डैमेज से बचाती है. लीव्स ऑफ सम एक्वेटिक प्लांट्स
plants are thin and cylinder-like a ribbon. This shape helps them to withstand fast current of water. Air spaces in the stem petiole of the aquatic plants are useful for floating in the water. ये हो गए हमारे aquatic plants. Use of drain power. Why does water trickle off lotus leaves? जो water होता है वो कैसे lotus leaf को trickle करता है, ठीक है. Why does not leaves of these plant rot in the water? Means कि बहुत सारे plant जो aquatic होते हैं उनकी leaves जो है वो water में damage क्यों नहीं होती, खराब क्यों नहीं होती है. और तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि इनकी लीव्स पे वैक्सी कवरिंग होती है. बहुत सारे प्लांट जो है कि उनकी लीव्स जो है हिलती डुलती नहीं है, क्योंकि उनकी रूट जो होती है वो वाटर के नीचे जो बॉटम होती है, ठीक है, सतह होती है मिट्टी की, उसमें जाके धंसी रहती है. व्हाई आर देयर रूट शॉर्ट एंड फाइब्रस? इनकी रूट शॉर्ट और फाइब्रस क्यों होती है? तो ये आपको पता है कि ज़्यादा रूट का जो मेन फंक्शन होता है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, जो कि वाटर में ऑलरेडी अवेलेबल होता है, और सॉइल वाले प्लांट्स में रूट जो है ज़्यादा डेवलप होता है, जबकि एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं उनमें रूट जो है ज़्यादा डेवलप नहीं होता है. यहाँ पे इस फोटो में आपको दिखाया गया है कि लोटस का स्टॉक कैसा होता है. एडेप्टेशन इन द डेजर्ट प्लांट, जो प्लांट डेजर्ट में पाए जाते हैं उनमें क्या एडेप्टेशन होता है वो देखेंगे. डेजर्ट प्लांट आर आइदर लीफलेस और देयर लीव्स आर लाइक द स्मॉल नीडल एंड आर हैव बीन मॉडिफाइड इन टू द थॉर्न्स. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं उनकी जो लीफ होती है वो नीडल लाइक होती है, और वो जो है थॉर्न्स में मॉडिफाई हो जाती है. एज ए रिजल्ट दे लूज देयर लिटिल वाटर बाय एवेपोरेशन. और इसलिए जब उनकी लीफ जो है नीडल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, तो इससे जो है कम से कम वाटर क्या होता है कि इवेपोरेट होता है, तो इसलिए वाटर का लॉस कम होता है. द स्टेम स्टोर वाटर एंड फूड एंड इज देयर फॉर फ्लैसी. तो इसलिए हम देखते हैं कि जो स्टेम होता है वो कम से कम वाटर स्टोर करता है, ठीक है. एंड फूड इज देयर फॉर फ्लैसी. द स्टेम आर ग्रीन एज दे परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस इन एब्सेंस ऑफ लीव्स. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो स्टेम होता है वो परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस का फंक्शन इन एब्सेंस ऑफ लीव्स. तो यहाँ पे जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं जैसे कि कैक्टस हो गया, तो इसकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन हो जाती है, और जो लीव्स होती है वो स्पाइनी हो जाती है. लीव्स स्पाइनी हो जाती है इसलिए इससे वाटर का लॉस नहीं होता है, जबकि जो स्टेम होता है वो जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, और फोटोसिंथेसिस का जो फंक्शन होता है वो स्टेम में होता है. देयर रूट पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, और इसके रूट जो हैं डीप सॉइल में पेनिट्रेट करते हैं इन द सर्च ऑफ वाटर. देयर इज ए थिक लेयर ऑफ ए वैक्सी सब्सटेंसेज ऑन द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स टू. और इन प्लांट्स के स्टेम पे भी एक वैक्सी कोटिंग होती है जिससे वाटर लॉस को बचाया जा सकता है. एडेप्टेशन इन प्लांट ऑफ द स्नोई रीजन. तो यहाँ पे हमने देख लिया कि एक्वेटिक प्लांट्स में किस तरह से एडेप्टेशन होता है, और जो है डेजर्ट के जो प्लांट हैं उनमें किस तरह का एडेप्टेशन होता है. जो प्लांट जो है स्नोई रीजन में प्लांट्स जो पाए जाते हैं उनमें किस तरह का एडेप्टेशन होता है. प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन मेनली इंक्लूड द कोनीफर्स लाइक द देवदार एंड पाइन. दीज ट्रीज आर कोनिकल इन शेप ड्यू टू देयर स्लोपिंग ब्रांचेज. इन द हैवी स्नोफॉल and extreme cold in these region, their conical shape prevent the snow from the accumulating on the tree and the thick bark help the tree
टू विथस्टैंड द कोल्ड। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं स्नोवी रीजन के, उनमें मेनली कौन कौन से होते हैं, कोनिफर्स और कोनिफर्स लाइक द देवदार एंड द पाइन। पाइन और देवदार के जो ट्री होते हैं वो स्नोवी रीजन में पाए जाते हैं। दीज ट्रीज आर कोनिकल इन शेप ड्यू टू, ये जो ट्रीज होते हैं ये कोनिकल इन द शेप होते हैं ड्यू टू द स्लोपिंग ब्रांचेज। इन द हैवी स्नो फॉल द एक्सट्रीम कोल्ड इन दिस रीजन, डियर कोनिकल शेप प्रिवेंट द स्नो फ्रॉम एक्युमुलेटिंग ऑन द ट्री। इस तरह की शेप इन पे क्या होता है कि इससे कि इनके ऊपर जो है कि स्नो एक्युमुलेट नहीं होता है ऑन द ट्री एंड थिक, और इनकी जो बार्क होती है स्टेम की वो बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है, इससे ये प्लांट को जो है ज़्यादा कोल्ड से बचाती है। एडेप्टेशन इन प्लांट ऑफ द फॉरेस्ट रीजन, बहुत सारे प्लांट जो होते हैं जो कि फॉरेस्ट में पाए जाते हैं उनमें क्या एडेप्टेशन होता है। ए वेराइटी ऑफ प्लांट ट्री श्रब हर्ब आर फाउंड इन द फॉरेस्ट, बहुत सारे वेराइटी ऑफ द प्लांट ट्री श्रब एंड हर्ब जो है ये पाए जाते हैं फॉरेस्ट में। दीज प्लांट्स कंप्लीट अमॉन्ग देमसेल्फ फॉर द सनलाइट, हेंस दीज ग्रो टॉल टू गेट सनलाइट एंड क्लाइंबर्स एंड वन ग्रो टू ए ग्रेट हाइट विथ सपोर्ट ऑफ ट्री स्प्रिंग लाइक ट्रेन रील्स ऑन द स्टेम ऑफ सम क्लाइंबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशन। एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स, जो प्लांट्स ग्रासलैंड में पाए जाते हैं उनमें क्या एडेप्टेशन होता है। डाइवर्स टाइप ऑफ द बूसेज एंड ग्रासेस आर फाउंड इन द ग्रासलैंड, इसमें जो है ग्रासलैंड में बहुत सारे वेराइटी के बूसेज और ग्रासेस पाए जाते हैं। फाइबरस रूट्स ऑफ द ग्रास प्रिवेंट सॉइल इरोजन, जो फाइबरस रूट होती है ग्रास की वो प्रिवेंट करती है सॉइल इरोजन को। ग्रासेज इन द इक्वेटोरियल रीजन आर वेरी टाल, जो ग्रासेज इक्वेटोरियल रीजन में होते हैं बहुत ही ज़्यादा बड़ी होते हैं। एनिमल्स लाइक टाइगर एलिफेंट एंड डियर कैन रिमेन हिडन इन दीज ग्रासेस, हाउएवर ग्रासेस इन द कोल्ड रीजन आर वेरी शॉर्ट। एनिमल्स लाइक द रैबिट आर फाउंड इन सच ग्रासेस, वास्ट मेडो आर फाउंड इन हिली एरिया एज वेल एज प्लेन्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यम एंड पोटैटो। अब यहाँ पे हम देखेंगे एडेप्टेशन फॉर इंजेशन ऑफ फूड इन द प्लांट्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एडेप्टेशन पाया जाता है इंजेशन ऑफ द फूड के लिए इन द प्लांट वो क्या है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर एंकर्ड इन द ग्राउंड एंड आर ऑटोट्रॉफिक, बहुत सारे प्लांट जो होते हैं वो अंडरग्राउंड एंकर्ड होते हैं। हाउएवर प्लांट लाइक देवदार कस्कुटा आर द पैरासाइटिक, द प्लांट बॉडी ऑफ देवदार कंसिस्ट ऑफ येल्लो वायर लाइक स्टेम, जो प्लांट बॉडी होती है देवदार की वो येल्लो होती है स्टेम लाइक होती है। इट इज लीफलेस एंड कैनॉट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। तो जो प्लांट होता है यह कस्कुटा, हाउएवर प्लांट्स लाइक देवदार कस्कुटा देवदार आर पैरासाइट, जो कस्कुटा के प्लांट होते हैं वो पैरासाइट होते हैं, इनमें लीव्स नहीं होती हैं और ये इनमें जो है येलो येलो कलर के स्टेम दिखते हैं। इट इज लीफलेस, या लीफलेस होता है, कैन नॉट परफॉर्म या फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। हाउएवर इट हैज हर्स्टोरियल सकिंग रूट फॉर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट प्लांट, दीज रूट पेनिट्रेट ऑफ टू द कंडक्टिंग वेसल ऑफ द होस्ट प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड द फूड। फंगाई डू नॉट हैव क्लोरोफिल, जो फंगस होते हैं इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है एंड कैन नॉट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम द सर्ची फूड स्टफ लाइक द बाकरी एंड द ब्रेड, दे हैव रूट लाइक फाइबर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। प्लांट नीड नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम फॉर द ग्रोथ, जो प्लांट होते हैं उनको नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत होती है उनकी ग्रोथ के लिए। प्लांट्स दैट ग्रो इन सॉइल विच इज डिफिशियंट इन नाइट्रोजन, जो प्लांट ग्रो करते हैं जो कि नाइट्रोजन में डिफिशियंट होते हैं,
जैसे कि ड्रोसेरा, सनडिव विनस, फ्लाइट रैप एंड द पिचर प्लांट ETC, ये जो होते हैं फुलफिल दियर नीड फॉर द नाइट्रोजन बाय द कंज्यूमिंग इंसेक्ट्स। तो ये जो प्लांट्स होते हैं इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं और अपने नाइट्रोजन की कमी को दूर करते हैं। एडेप्टेशन आर सीन इन दीज प्लांट्स वी सर्व टू अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड होल्ड देम कैप्टिव। माई फ्रेंड द इंटरनेट कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट एडेप्टेशन फ्रॉम द वेबसाइट लाइक द मैप यहाँ पे दिया हुआ है। एडेप्टेशन जो एनिमल्स होते हैं उनमें किस तरह के एडेप्टेशन होते हैं, जो भी प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस कर लेते हैं, उसी को हम एडेप्टेशन कहते हैं। व्हाट डिफरेंस डू यू सी बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल। यहाँ पे कह रहा है कि हम जो है जो एनिमल्स हैं उनमें टेरेस्ट्रियल होते हैं और कुछ एक्वेटिक होते हैं, उनमें हम क्या डिफरेंसेस देख सकते हैं। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं ठीक है, उनकी स्किन और बॉडी शेप जो होती है एक्वेटिक एनिमल से वो बहुत ज़्यादा चेंज होती है। फिश के जो स्केल्स होते हैं स्किन एंड फिन्स ऑन द बॉडी, फिश की जो बॉडी होती है उस पर स्केल्स होते हैं फिन्स होते हैं। दियर बॉडी ट्रैपर टू हार्स द बोट इट्स एंड, और फिश की जो बॉडी होती है दोनों ही साइड पतली होती है लाइक ए स्पिंडल। फिश ब्रीद विथ द गिल्स इंस्टेड ऑफ द नोज। तो जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो अपनी ब्रीदिंग जो है गिल्स के थ्रू करते हैं। इनकी बॉडी जो है वो स्पिंडल शेप होती है, आईज ट्रांसपेरेंट होती है, आईलिड होती है। इनकी बॉडी में एयर ब्लैडर होता है जिसके अंदर एयर भरा होता है और जो कि इनको फ्लोट करने में मदद करता है। देम टू फ्लोट ऑब्जर्व द बॉडी ऑफ द फ्रॉग डक एंड टर्टवाइज। इसी तरह से जो दूसरे एनिमल पाए जाते हैं वाटर में जैसे डक हो गया, टर्टवाइज हो गया, फ्रॉग हो गया, इनमें भी बहुत सारे एडेप्टेशन पाए जाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्रॉग कैसे ब्रीथ करता है, ये भी जो है गिल से ब्रीथ करता है और जब ये लैंड पे होता है तो अपनी स्किन से ब्रीथ करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्रॉग और डक जो हैं इनमें इनके जो टोज होते हैं वो वेब्ड होते हैं, इनके फिंगर्स जो पैर के फिंगर होते हैं उसके बीच में जो है एक स्किन की पतली लेयर होती है जिससे कि जो कि इनको फ्लोट करने में मदद करती है। ठीक है, वाटर फ्लो ऑफ द वैक्सी फेदर ऑफ द बर्ड लाइक द डक एंड द वाटर हैन। और इनकी जो इन फीडर्स होती है बर्ड्स की, ये वैक्सी होती है इससे वाटर इसका कुछ नहीं कर पाता। वेब्ड टोज जो होते हैं, वेब टोज स्लिपरी स्मूथ स्किन एंड ट्रायंगुलर हेड हेल्प फ्रॉग टू स्विम इजली थ्रू द वाटर। तो ये सारे एडेप्टेशन पाए जाते हैं। एडेप्टेशन इन द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल। जो एनिमल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं या फिर ग्रासलैंड में, उनमें क्या एडेप्टेशन होते हैं। जो एनिमल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं कार्निवोरस होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल डॉग, फॉक्स, टाइगर और लायन हो गए। इनके जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं लेग्स और ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से भाग सकते हैं अपने प्रे को कैच करके। दे हैव क्लॉज एंड देयर कैनाइन टीथ आर द शार्प एंड द पॉइंटेड। तो ये जो होते हैं एनिमल्स, इनके अंदर जो कैनाइन टीथ होती है बहुत ही ज़्यादा नुकीली होती है जो कि इन्हें फूड को ग्रहण करने में मदद करती है। टाइगर्स है पैडेड पॉज। तो जो टाइगर होते हैं इनमें पैडेड पॉज होते हैं, अनेबल देम टू साइलेंटली स्टॉक देयर प्रे एंड कैप्चर इट इजली। जो टाइगर और लायन होते हैं इनके पैर जो है बहुत ही ज़्यादा गुदेदार होते हैं से कि चलते टाइम आवाज़ नहीं होती है। ठीक है, और इनके पैर बहुत मजबूत होते हैं। द आइज ऑफ प्रीडेटरी कार्निवोर आर लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ देयर हेड। और इनकी जो आई होती है बिल्कुल फ्रंट में होती है एंड दे और ये जो है अपने प्रे को दूर से ही देख सकते हैं।
द आईज आर हर्बीवोर आर बिलो द हेड, जबकि जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी आईज जो है हेड के नीचे होती है, एंड द हेड के नीचे होती है या तो दोनों साइड पे होती है। दिस गिव्स देम वाइड एंगल विजन विच हेल्प टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द प्रीडेटर, और ये जो है इनको प्रीडेटर से बचाती है। देयर लेग्स आर लॉन्ग एंड टैपरिंग, इनके जो लेग्स होते हैं हर्बीवोर्स के लंबे और पतले होते हैं, और स्ट्रॉन्ग हूव्स होती हैं। अनेबल देम टू रन फास्ट टेकिंग लॉन्ग लैप्स, देयर लॉन्ग फ्रीली मूव ईयर्स, ये जो है अपने ईयर को बहुत ही तेजी से मूव कर सकते हैं, साउंड को रिसीव कर सकते फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस एंड डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ पे हम देखेंगे जो डियर होता है और जो ब्लैक बक होता है उनके कलर जो है उनके सराउंडिंग से मर्ज हो जाते हैं। इनकी टीथ जो है स्ट्रॉन्ग होती है फॉर द चीविंग ऑफ प्लांट मटेरियल। एडाप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल, डेजर्ट आर कैरेक्टराइज बाय द स्कैसिटी ऑफ वाटर। डेजर्ट के बारे में हम जानते हैं कि वहाँ पे वाटर बहुत कम होता है, इसलिए जो डेजर्ट के एनिमल होते हैं उनकी बॉडी पे जो स्किन होती है बहुत ही ज़्यादा थिक होती है और प्रिवेंट करती है वो लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द बॉडी। देयर लेग्स, उनके लेग्स जो होते हैं लंबे होते हैं, फ्लैट होते हैं, कुशंड होते हैं, ठीक है, कुशंड सोल होता है, इनके सोल में बहुत ही ज़्यादा कुशन टाइप का बना होता है। नॉस्ट्रिल आर प्रोटेक्टेड बाई फोल्ड्स ऑफ द स्किन, द आई लैसेज आर लॉन्ग एंड थिक, रैट स्नैक्स स्पाइडर लिजर्ड, ये जो हैं सारे एनिमल लिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एडेप्टेशन इन एनिमल इन द स्नोई रीजन, जो एनिमल स्नोई रीजन में पाए जाते हैं फ्रॉम जैसे कि पोलर बियर हो गया, याक हो गया, वाइट फॉक्स, सिल्वर फॉक्स एंड द माउंटेन गोट, साइबेरियन हस्की डॉग एंड द स्नो। Compare these तो ये जो हैं लियोपॉर्ड। कंपेयर दिस इमेज विद दोज आर द सिमिलर एनिमल फ्रॉम द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ए वाइट सिल्वर बॉडी कलर, लॉन्ग थिक हेयर ऑन द स्किन आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स ऑफ द स्नोई रीजन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सारे जो है एडाप्टेशन पाए जाते हैं स्नोई रीजन्स के एनिमल में। व्हाट इज द मेन डिफरेंसेस बिटवीन व्हीकल ऑन द रोड एंड एरोप्लेन। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हम एरियल एनिमल्स के बारे में देखेंगे कि क्या एडाप्टेशन पाए जाते हैं, जैसे बर्ड्स हो गई, तो जो टैपरिंग सिलेंडर बॉडी होती है, जो एरियल जो बर्ड्स होती हैं इनकी बॉडी भी स्पिंडल शेप लगभग होती है, स्पिंडल शेप बॉडी होती है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। आल्सो मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ एयर वाइल फ्लाइंग, ये जो है ये जो फ्लाइंग के दौरान जो है इनकी स्पिंडल से बॉडी इनकी हेल्प करती है विथ द हलो बोन्स और बॉडी कवरिंग ऑफ द फेडर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लेग इन टू विंग। देयर बॉडी इज लाइट इन वेट एंड एडाप्टेड फॉर फ्लाइंग, इनकी बॉडी जो है बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होती है जो कि इनकी फ्लाई करने में मदद करती है। बॉडी ऑफ इंसेक्ट आल्सो इज लाइट इन द वेट एंड टैपर एट बोथ एंड्स, और ये जो बॉडी होती है इंसेक्ट्स की वो भी लाइट वेट होती है और बोथ इन पे टैपरिंग होती है। दे कैन फ्लाई विथ टू पेयर ऑफ द विंग एंड आल्सो वॉक विथ सिक्स स्टिक लाइक लेग्स। बैट कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ द पोटेशियम, ए थिन फोल्ड ऑफ स्किन बिटवीन दियर फोर लेग्स एंड हाइंड लेग्स।
एडाप्टेशन इन रिप्टाइल्स, जो रिप्टाइल्स हैं इनमें किस तरह के एडाप्टेशन पाए जाते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि स्नैक्स अर्थवॉर्म और हाउवर डिस्टेंस, हाउ स्नैक्स एंड अर्थवॉर्म क्रीप, ये जो अर्थवॉर्म होते हैं और स्नैक होते हैं किस तरह से क्रीप करते हैं, एंड विच ऑर्गन डू दे यूज फॉर द क्रीपिंग, आर देयर एनी स्पेशल चेंज फॉर द फॉर दैट पर्पज, नोट एनी सच चेंजेज, एनिमल लाइक हॉर्स, एनिमल लाइक हाउस लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल यूज दियर मसल फॉर क्रीपिंग, ये जो है अपने मसल को यूज करते हैं। सिमिलरली सो द एडाप्टेशन इन द स्किन सोल्स ऑफ द फीट बॉडी कलर इटीसी, फॉर एग्जाम्पल द हाउस लिजर्ड एंड मॉनिटर लिजर्ड हैव क्लॉड टोज एंड थीन सोल्स, वेयर एज स्नैक्स हैव ए स्केली स्किन्स। तो इन सभी में जो है कि अलग अलग टाइप के अडेप्टेशन पाए जाते हैं, और ये कोई जो है अपने मसल की हेल्प से क्रिप करता है, जबकि स्नैक जो है अपने स्किन फोल्ड के द्वारा क्रिपिंग करता है। अडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल, बहुत सारे जो एनिमल हैं उनमें फूड के लिए भी बहुत सारा अडेप्टेशन पाया जाता है। कुछ तो हर्बीवोर होते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं, कुछ कार्निवोर्स होते हैं, स्पेशल अडेप्टेशन जो है सीन होता है, और यहाँ पे देखेंगे वी विल डिस्कस द ग्रेट दिस इन द ग्रेट डिटेल इन द न्यूट्रिशन, वॉच द प्रोग्राम ऑन द चैनल लाइक द नेशनल जियोग्राफी वाइल्ड डिस्कवरी टीसी, ठीक है, नेशनल जियोग्राफी वाइल्ड पे और डिस्कवरी पे इनका भोजन किस तरह से होता है ये सारी चीज़ें हम देख के समझ सकते हैं। फीडिंग हैबिट जो होती है एनिमल्स की, जैसे कि फ्रॉग, स्नैक, बर्ड, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, ये सारी किस तरह की फीडिंग हैबिट्स शो करते हैं। एडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग, इनमें जो एडेप्टेशन पाया जाता है ब्लेंड होने के लिए सराउंडिंग के साथ, वो कैसा होता है, वी कैन नॉट इजली स्पॉट कलरफुल बटरफ्लाई लिजर्ड एंड ग्रास होपर्स, इसमें हम जो है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ईजली स्पॉटेड कलरफुल बटरफ्लाई, जो कलरफुल बटरफ्लाईज होती है जब वो फ्लावर पे बैठ जाएगी तो हम उसे ईजली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ग्रास ऊपर भी ऐसा शो करते हैं। तो ये कैमोफ्लेजी जो होता है एंड ये जो है एनिमल्स को उनके प्रीडेटर्स से बचाता है, दैट इज़ बिकॉज द कलर ब्लेंड विद दोज ऑफ द सराउंडिंग, और ये जो है अपने सराउंडिंग के साथ अपने कलर को ब्लेंड कर लेते हैं, और ये जो है उनको बचाता है उनके प्रीडेटर्स से। यहाँ पे हम देखेंगे कि डार्विन थियोरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है इस चैप्टर में, और ये है ये जो है मैं सोच रही हूँ पूरा मैं सीरीज बना दूंगी, और आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए, और मैं ये पूरा सीरीज बनाऊंगी, एक वीडियो में नहीं हो पाता है तो 3 या 4 वीडियो में कर देंगे, और जो है एक सीरीज प्लेलिस्ट में करके मैं डालूंगी से आपको सारी वीडियो एक जगह ही मिल जाएगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ग्रेट साइंटिस्ट थे डार्विन, थियोरी ऑफ इवोल्यूशन इन्होंने दिया था, और दिस इज कॉल्ड द थियोरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थियोरी जो है, और या फिर कह सकते हैं कि इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था नेचुरल सेलेक्शन का, इसके अनुसार ये है कि जो एनिमल अपने सराउंडिंग में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फिट है, वही जो है आगे ग्रो करता है, और उसी का नेचुरल सेलेक्शन भी होता है। क्लासिफिकेशन अब हम आते हैं, इस चैप्टर का ही अगला पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिजम्स को एक एक करके पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि धरती पे अनगिनत वैरायटी के प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, तो इनको
किसी एक एरिया में अगर एक नाम से पुकारा जाता है, दूसरे एरिया में तो उस दूसरे नाम से, तो ये जो नाम होते हैं ये लोकल होते हैं। इन लोकल नाम्स तो होते ही हैं, और इनको जो है एक इंटरनेशनल यूनियन जो है साइंटिस्ट की, उन्होंने जो है कि प्लांट्स को बोटेनिकल नेम और एनिमल्स को जूलॉजिकल नेम देने की एक यूनिटी बनाई। और इससे क्या होगा कि अगर हम एक प्लांट या एनिमल की बात कर रहे हैं तो सभी लोग जो है उस बात को समझ सकते हैं, जो लोग भी बोटेनिकल और जूलॉजिकल नेम को जानते हैं। तो जितने भी रिसर्च होते हैं तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है वो प्लांट्स को प्लांटी में, वैसे तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, एनिमल्स को एनिमेलिया में, प्लांट्स को प्लांटी में, और इसको जो है फर्दर भी डिवाइड किया गया है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये है कि जब किसी भी प्लांट्स या एनिमल को जो नाम दिया जाता है वो दो चीज़ों से मिल के बना रहता है, एक तो उसका जीनस होता है, दूसरा उसका स्पीसीज होता है, उसी दो नाम से मिल के बना होता है। और ये जो है कार्ल लिनियस ने दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम था ये कार्ल लिनियस ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ डॉग का जो है कैनिस लुपस फैमिलियरिस है, काऊ का बोस्टोरस है, हिबिस्कस रोजासाइनेंसिस है, ज्वार का सरगम बाइकोलर है। तो ये नाम जो है आपको साइंटिफिक डॉग के कैनिस लुपस फैमिलियरिस और बोस्टोरस, ये सारे नाम याद होने चाहिए। जब ये नाम याद रहेंगे तभी जो है एग्जाम में डॉग या काऊ या हिबिस्कस या ज्वार का जो है साइंटिफिक नेम पूछ सकता है, तो ये याद रहेगा तभी आप बता सकते हैं। इसी सीरीज में हम लोग नेक्स्ट करेंगे प्लांट का स्ट्रक्चर और फंक्शन, इसको यहीं पे रोकते हैं और इसकी हम प्लेलिस्ट बनाएंगे। बेल आइकन को जरूर से दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।